ये फ्लैट सीन फिर से दबाना होगा, तक ऐसे करना है। तो देखो ये वेलकम और वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो गाइस। तो आज मैं हेयर्स में अप्लाई करने वाली हूँ फ्लैक्स सीड, इसीलिए मैंने ये कपड़ा भी उल्टा पहना हुआ है, ये बहुत ज्यादा मैसी होता है। देखो यूज मैंने अपने हेयर्स में कई बार किया है, इफेक्ट इसका बहुत अच्छा होता है, पहले ही बता दे रही हूँ आप लोगों को, लेकिन मैंने कभी वीडियो इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है, वीडियो के साथ में थोड़ा सा लगाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन आज मैं ये भी करने वाली हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं ये चीज बता दूँ इसके कितने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। अगर आपके जो रीग्रोथ है बालों की ना, वो एकदम स्टॉप हो चुकी है, बाल रीग्रो भी होंगे, आपके बालों में अलग सी शाइन प्रोवाइड करता है, बाल एकदम डल डल से लगने लगे हैं, डैमेज लगने लगे हैं, तो ये अच्छी शाइन प्रोवाइड करता है, बालों को नरिश करता है। साथ ही साथ गाइज आपके बालों की जो ग्रोथ है, मतलब स्टॉप हो गई है या फिर बहुत ही स्लो ग्रोथ हो रही है, तो उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और गाइज मुझे तो ये लगता है ना, जब भी मैं बालों में लगाती हूँ इसको, तो नया नया एकदम मतलब नई जान आ जाती है बालों के अंदर, एकदम स्ट्रांग लगने लगते हैं बाल, और इसलिए मैं इसको यूज करती हूँ। मेरे जो बालों में लगाने का रीजन होता है वो यही होता है कि बाल एकदम शाइनी और हेल्दी दिखने लगे। गाइस अभी मैंने इतना तो सब कुछ इसके बारे में बता दिया, वीडियो में आगे भी मैं डिस्कस करूंगी इसके बारे में। ये स्टार्ट करते हैं इसको बनाना और देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो आपको बता दूं इसका जो रेशियो है वो इतना होने वाला है, मतलब इतना इस कटोरी के बराबर मैं लूंगी फ्लैक्स सीड, पता नहीं आपको दिख रही हूं कि नहीं, मैं तो रैंडम वीडियो बनाने लगी। और इस वाले बाउल के इतना मुझे पानी लेना है, तो चलो जल्दी से दोनों को फिल कर लेते हैं। ये है मेरा फ्लैक्स सीड पैकेट, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं मार्केट में, आपकी जो मर्जी आप ले सकते हो जो आपके घर में यूज होता होगा। तो इसको सबसे पहले मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। देखो ये जो बनाने के बाद मिलता है हमें पेस्ट, इसका ना बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, लगाने में थोड़ा सा बोरिंग ज़्यादा ही लगता है, लेकिन जो इसका इफेक्ट होता है वो अच्छा होता है, दैट्स वाई। देखो इस कटोरी से भी थोड़ा सा कम ही मैं लूंगी, बस इतनी क्वांटिटी लेने वाली हूँ, ये इतना एनफ है। फ्लैक्स सीड यार खाने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, पानी लेने मुझे बाहर जाना पड़ेगा तो मैं भर के आई पानी। अब देखो यहाँ पे मैंने अपना इंडक्शन जो है वो ऑन कर दिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी ये फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी वाटर और इसको मैं बॉयल होने दूंगी काफी देर तक, जब तक इसमें तीन चार बॉयल मतलब उबाल ना आ जाए तब तक मैं इसको बॉयल होने दूंगी। बीच में एक दो बार चलाऊंगी लेकिन पहले इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद। देखो आज मुझे मेरे बाल जो है वो काफी ज्यादा ड्राई फील हो रहे थे, तो मुझे लगा इनको थोड़े से नरिशमेंट की जरूरत तो है। देखो जब से मैंने स्मूथनिंग हेयर्स में कराया, मेरे बाल जो नीचे वाले हैं ये तो ठीक ठाक है, मतलब स्मूथनिंग के वजह से इनमें कुछ तो इफेक्ट है उसका, और ये थोड़े से अच्छे लगते हैं देखने में। बट जो ये ऊपर वाले बाल है गाइज, इनका तो क्या कहना, इतना गंदा हो चुका है ना कि उसके बारे में ना बताऊं तो अच्छा। अभी ये बॉयल हो रहा है, बॉयल होने के बाद इसको स्टेन करना होगा किसी बाउल में, बाउल तो है इसमें मैं करने वाली हूँ, और उसके लिए जरूरत पड़ेगी किसी पतले से कपड़े की, तो यार हॉस्टल में तो मुझे नहीं लगता मिलने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार मैं ढूंढूंगी जरूर। मुझे अपनी एक मिडी दिख गई है जिसके पीछे ऐसा सा कुछ है, तो इससे वो काम अच्छे से हो सकता है क्योंकि इसको ना अच्छे से सारी चीज़ों को लेके, मतलब जो पेस्ट होगा उसको लेके अच्छे से दबाना होगा ताकि इसका जो जेल हो वो निकल पाए, अपने बाल में अप्लाई कर पाऊँ। तो यही सारी झंझटें हैं जिसकी वजह से मैं लगा रही से थोड़ा सा मतलब इग्नोर करती हूँ, जब ज़्यादा टाइम रहता है तभी मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बेकार डैमेज हो गया ना तो ये एक बार करके देखना बहुत ही अच्छा होता है, जिस दिन आप फ्री रहना। तो गाइस देखो ये होने लग गया है बॉयल, लेकिन तब तक इसको अभी बंद नहीं करना जब तक ये हल्का सा जेल फॉर्म में आ ना जाए। तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि जेल फॉर्म में आया है, थोड़ी देर तक इसको और बॉयल करूँगी, तीन चार मिनट तक अभी इसको और अच्छे से बॉयल होने दूंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको हो रही होगी ना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना, मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार, क्योंकि लाइट्स ऑफ हैं। एंड गाइज अब मुझे लगता है कि ये जो है ये थोड़े से जेल फॉर्म में ना इस तरीके से देखो आ गया है, टच करके थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। वेट 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 वेट, लुक एट दिस, ये जेल जैसा हो गया है, तो इसको बस अब बंद करने की बारी है। देखो इसकी जो ये इंडक्शन है मैंने बंद कर दिया है, इसके बाद जब गर्म रहे इसको तुरंत ही स्टेन नहीं करना, बल्कि इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, तब तक ये और गाढ़ा जो जेल है ना इसका और गाढ़ा हो जाएगा। जब ठंडा होता है धीरे धीरे इसके और जो ये पेस्ट होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। तो देखो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना कि आपने बॉयल किया अच्छे से तुरंत स्ट्रेन कर दिया, तो ये जो जेल है वो बहुत पतला रहेगा, आप वेट करोगे जेल इसका थोड़ा सा और इसका गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा तब आपको स्ट्रेन करना है। फ्लैक्स सीड जो होता है ना वो आपके हेयर्स के साथ में आपके स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसको स्ट्रेन करने के बाद जो इसका फ्लैक्स सीड बचेगा ना वो मैं अपने स्किन पे भी अप्लाई करने वाली हूँ, तो वो भी आप लोग देखना, वेस्ट नहीं करना है, आपको अपने बॉडी पे अपने फेस पे अच्छे से यूज कर सकते हो।
आई होप आपने YouTube पे देखा भी होगा, लोग फ्लैक्स सीड मास्क बहुत वायरल है लगाते हैं, तो आप इससे भी बना सकते हो। बॉयल करने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सी जो है ना नरिश हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, सपल हो जाएगी। तो गाइज चलो अब मैं आपको दिखाऊंगी ना हमें क्या चाहिए था इससे, हमें इतनी देर तक इसे ठंडा करना है कि ये इस फॉर्म में आ जाए। आपको अपने फिंगर्स को इसमें डालना है और ऐसे करना है, ये बिल्कुल इस फॉर्म में जब आ जाए तो समझ लेना कि ये आपके बालों में लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जो भी हाथ इसमें डालो ना, आप कोशिश करना कि वो एकदम क्लीन हो, क्योंकि आपके बालों में लगाना है आपको इसे। तो देखो ये एकदम रेडी हो चुका है बाल में लगने के लिए, जेल फॉर्म में आ चुका है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से। तो इसको अब मैं चल रही हूँ अच्छे से स्ट्रेन करने। तो भाई देखो यहाँ पे जो बाउल है उस पे, इस पे मतलब ये कपड़ा जो है मैंने इस तरीके से रख दिया है। आपके पास अगर कोई और जुगाड़ हो इसको स्टेन करने का तो आप वो फॉलो कर सकते हो, बट अभी मैं यही करने वाली हूँ। बहुत कम रिसोर्स है हॉस्टल में ये सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि बालों के लिए अच्छा होता है। तो इसको ऐसे आपको इसमें सारा डाल देना है। तो देखो अब इस कपड़े को हमें पकड़ना है कुछ इस तरीके से। आई नो आपने कभी ना कभी तो इस तरीके से कोई ना कोई काम किया ही होगा, तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यही है कि आपको टाइम चाहिए अच्छा खासा इसे करने के लिए। अब जो है आप इसको ना पुश करोगे धीरे धीरे, तो इसका जो जेल है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अकेली हूँ, वीडियो में सही से नहीं शूट कर पा रही हूँ, वरना मैं आपको बहुत ही अच्छे से दिखाती कि ये मैं किस तरीके से स्टेन करूँ। देख रहे हो पूरा का पूरा जो जेल है वो धीरे धीरे निकल रहा है, बहुत तेजी से, अचानक से आपको नहीं पुश कर देना है। आराम आराम से टाइम लेके धीरे धीरे इसको पुश करते जाओ, बहुत ही अच्छे से जेल निकल रहा है। सही में सेटिस्फाइंग तो है ये काम, लेकिन यही है टाइम टेकिंग है, तो करने के पहले बहुत आलस आता है, लेकिन जो भी हो रिजल्ट अच्छा है तो कर सकते हैं। अच्छा चलो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ क्या आपने कभी फ्लैक्स सीड जेल अपने हेयर्स में लगाया है। मार्केट में तो इतने सारे प्रोडक्ट्स बन चुके हैं कि उसके बारे में क्या बताऊँ आपको। तो गाइज एक तरफ ना ये जो चीज़ बची हुई है, सच में वीडियो बनाना बहुत ट्रिकी लग रहा है, इसीलिए मैंने आज तक बनाया नहीं। ये चीज़ जो है फेंकना नहीं है आपको, इसको ऐसे ही रख देना है। अब देखो आप लोग ये जेल जो है कुछ ऐसे फॉर्म में आ चुका है, लुक एट दिस। कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। तो अब इसको अप्लाई करना है हेयर्स में अपने बालों में। जो इसको लगाने का डायरेक्शन होगा वो एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट होगा, लाइक दिस। इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। देखो यार आज लग रहा है कि कोई मेरी रूममेट होती ना तो मेरी बहुत हेल्प करती वीडियो को शूट करने में, बट कोई बात नहीं। जहाँ भी लगाओगे ये गिरने वाला जरूर है, तो ध्यान देना ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे आप इसको साफ भी कर पाओ। बिस्तर पे बैठ के बिल्कुल नहीं लगाना है आपको इसे। वो थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके हेयर्स का आपको ये जेल अपने बालों में अच्छे से कर लेना है अप्लाई। जब इसको अप्लाई करने चलोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा नाटक करने वाला है आपके बालों में लगने पे। देखो ये कुछ नीचे भी गिर गया, ये तो आम बात है इसको लगाते हैं कि नीचे तो गिरने ही वाला है, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे तैसे आपको अपने बालों में कर लेना है अप्लाई। आई नो आई एम लुकिंग सो 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 वियर्ड गाइज, पूरे कमरे में पूरा ये फैल चुका है इसका सीड। तो मुझे आपको ये बताना था, मैंने इसको लगाते टाइम वीडियो इसलिए नहीं शूट किया है क्योंकि गाइज लगाना बहुत ज़्यादा मेसी था। लगा के आपको चिपका के थोड़ा थोड़ा ऐसे इसको छोड़ देना है, अपने जितने देर आपको बाल में ऐसे लगा छोड़ना है वैसे ही अपने स्किन पे भी लगा के छोड़ देना है। ट्रस्ट मी रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। देखो ये सारी जो होम रेमिडीज़ की जाती हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि चेहरा नहीं बदल जाएगा एंड वो मतलब ये वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये जो होती है चीज़ें ना आपको हेल्दी रखती हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हो, खाना खाने से सडन आप मोटे नहीं हो जाते, पतले नहीं हो जाते, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए वो अच्छा होता है। अपने बॉडी की केयर करते हो आप, बॉडी लोशन लगाते हो। पहले के लोग स्किन में तेल लगाते थे, बहुत कुछ करते थे, बालों में दही लगाते थे। ये जो फ्लैक्स सीड वगैरह हेयर से लगाना, ये पहले की ही चीज़ें हैं, अभी भी लोग करते हैं, लेकिन यही है टाइम टेकिंग है तो डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को। लेकिन अभी देखो मार्केट से लेके लगाना होगा, लोग शैम्पू लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे, बहुत कुछ करते हैं,
अपने आप से करना होता है तो लोगों को आलस आता है, मुझे भी आता है। ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल है, स्किन नहीं बदलती है, स्किन का जो कलर है वो वही रहता है। यहाँ पे मैं स्किन लाइटनिंग को, स्किन फेयरनेस को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। जैसी स्किन है, डार्क है, डल है, डस्की है, वाइट है, जैसी है वो हेल्दी रहे। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ वाइट कलर उनके स्किन का होता है, लेकिन स्किन इतनी ज़्यादा रफ, डल, ड्राई होती है ना, का कुछ नहीं कहना होता है। तो यार देखो, कलर जो आपका है वो बहुत अच्छा है, मैं अपने कलर से एकदम सेटिस्फाई हूँ। नहीं चाहती मैं बहुत ज़्यादा गोरी हो जाऊँ, अगर हो जाऊँ तो अच्छा, ना हो तो अच्छा, जैसी है वैसी अच्छी रहे, वो चीज़ अच्छी होती है। बाय द वे, यहाँ पे इसको लगा लिया है, लगा के छोड़ दिया है, और अब 15-20 मिनट तक के लिए इंतजार करूंगी जब तक ये हल्का हल्का सा, मतलब जो स्टिकीनेस है ना वो कम ना हो जाए। उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर से अच्छे से शावर ले लूंगी, हेयर वॉश कर दूंगी। शैम्पू यूज नहीं करना है गाइज, याद रखना। लगाने के बाद आपको नॉर्मल वाटर से ही अपना जो हेयर है वो वॉश करना है, फेस पे भी। इसको लगाने के, वॉश करने के तुरंत बाद फेस वॉश नहीं यूज करना होता है आपको, बस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना होता है। तो अभी मैं चली अपना कमरा साफ करने, अपना हाथ साफ करने, अपना कपड़ा साफ करने, अपने मुंह को साफ करने, खुद शार लेने। तो अकेले बाय, मैं मिलती हूँ अच्छे से रिजल्ट के साथ में। तो गाइज, अभी मैंने अपना शार ले लिया है, 1 घंटे से भी ज्यादा मुझे लगा टाइम शार लेने में, क्योंकि ना मैंने वो जो फ्लैक्स सीड था वो अच्छे से अपने बॉडी में रब किया, हैंड्स में, फीट में, अच्छे से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही सॉफ्ट फील हो रही है मेरी स्किन, और फेस पे भी जो मैंने लगा था उसको अच्छे से रब करके वॉश कर दिया है, तो वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। दोनों के ही लिए अच्छा होता है, अलग अलग बनाने से अच्छा है। मैंने एक बार में ही दोनों काम कर लिया है, स्किन एंड हेयर्स में। अगले हफ्ते फिर से लगाने वाली हूँ। देखो, होम रेमेडीज जो भी होती है वो आपको एक बार में इफेक्ट नहीं दिखाती है, लेकिन फ्लैक्सीड का इफेक्ट तो मुझे एक बार में भी दिख जाता है, शाइनी हो जाते हैं हेयर्स बहुत ज्यादा। तो यार देखो, ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना। जब मेरे बाल अभी सूखेंगे ना तो मैं आपको लास्ट में वो क्लिप ऐड कर दूंगी, आप देखना मेरे बाल कितने ज्यादा शाइनी हो जाएंगे। मुझे ये चीज पहले से ही पता है क्योंकि मैंने ये चीज कई बार किया हुआ है। वीडियो अगर हेल्पफुल हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, इस तरीके के और सारी वीडियोज को देखने के लिए, हेयर, स्किन और मेरे डेली लाइफ व्लॉग्स। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, बाय बाय, लव यू। शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना दिया है, अगर आपको देखना है तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे वो भी देख सकते हो, स्किन कितनी ग्लोई लग रही है इसको लगाने के बाद।